दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर अपने गृह जिला आते ही खुशी से उछल पड़े और गृह जिला की धरती को छूकर नमन किया। दरअसल लॉकडाउन में पैसे के अभाव में फंसे सैकड़ों बिहारी मजदूर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से आज श्रमिक ट्रेन के माध्यम से सासाराम पहुंचे। सासाराम पहुंचते ही प्रवासी मजदूर काफी खुश दिखाई दिए। अपने घर पहुंचने पर कभी उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया तो कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्रमिकों ने बताया कि दादरी से सासाराम पहुंचने के लिए उनसे किसी प्रकार की कोई टिकट की राशि नहीं ली गई, साथ ही साथ ट्रेन में खाने का भी काफी अच्छा इंतजाम रहा। कहां से आए हैं आप? नोएडा होशियारपुर से आ रहे हैं। तो कैसे आए हैं आप? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से? ये जो ट्रेन चली है स्पेशल, उसी ट्रेन से? जी जी। अच्छा, क्या आप लोग को कहीं कोई दिक्कत भी महसूस हुई है क्या ट्रेन में? ट्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो सही है, लेकिन बिहार में आने के बाद कोई भी चीज व्यवस्था नहीं सही ढंग से है। ट्रेन में टिकट भी लगे क्या? टिकट लगी, उसकी पैसा नहीं लगे। टिकट मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। खाना वाना मिला क्या? सब तरह चीज मिला। क्या मिला था खाना में? पूरी मिली, सब्जी मिला, चार, गुड़, पानी, फिर बिस्कुट मिला, पाव रोटी मिला, सब कुछ मिला। कितने बजे आप चले थे वहाँ? वहाँ से 5:16 में गाड़ी खुली थी। क्या करते हैं आप? हम एक्सपोर्ट लाइन में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब। लॉकडाउन में आप कितने दिनों से फंसे हुए? वही 55 दिन से। 55 दिन से जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम औरंगाबाद दौनगढ़ रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आने पर क्या परेशानी हो रही है आप? यहाँ पर आने के बाद पानी की तो व्यवस्था होगी, लेकिन छोटे बच्चे लोग, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन व्यवस्था नहीं किया? कोई व्यवस्था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक चौसी पीने के लिए दे दिया, आइसक्रीम दे दिया, बस वही है और कुछ नहीं। तो यहाँ आए तो क्या क्या आपको खाने के लिए मिला? बस वही मिली, आइसक्रीम मिला और पानी मिला और रस्सी पीने के लिए मिला। प्रवासी मजदूरों को पहुँचने को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रही और स्टेशन परिसर से लेकर मुख्य सड़क तक सुरक्षा बलों का इंतजाम देखा गया। ट्रेन पहुंचते ही सभी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। इसके लिए दर्जनों स्टॉल लगाए गए थे जहां पर बारी बारी से सभी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। सर, दादरी से ट्रेन आ रही है सर, यहां पे प्रशासन के द्वारा सर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या इंतजाम किया गया है? लोग कहां जा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं यहां पे? दादरी से ट्रेन चली है और सासाराम आ रही है। इसमें इस जिले के साथ साथ अन्य जिलों के भी लोग हैं और दूसरे प्रदेशों के भी लोग हैं। टोटल कुल 1610 लोग आ रहे हैं इस ट्रेन से, जिनको यहाँ पर उतारा जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनको सासाराम का पैकेट दिया जाएगा और पैकेट के देने के बाद से उनको विभिन्न प्रखंडों और सर यहाँ से जाने के लिए सिस्टम क्या है सर? यहाँ से सभी को बसों से भेजा जाएगा, जो अन्य जिलों के हैं उनके लिए भी बसों की व्यवस्था की गई है, उनके लिए बस से भेजा जाएगा। कोई इस दरमियान सर संदिग्ध मिलते हैं यहाँ पर तो उनके लिए इंतजाम क्या किया गया? उनको अभी हम लोग डिटेन कर लेंगे, उनको रखवाएंगे एक जगह यहाँ पे वेटिंग रूम में और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको जैसा सिविल सर्जन का कंप्लेंट होगा क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा। स्क्रीनिंग सर प्रखंड वाइज हो रहा है या फिर सर एक ही जगह स्टॉल पे हो रहा है स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग के लिए अलग टीम बनी हुई है, 10 टीम है जो स्क्रीनिंग कर रही है सभी अनुमंडलों के लिए करेगी। सर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बिहार रोहतास के भी है या फिर यहाँ जिले के बाहर भी है? नहीं, रोहतास के ज्यादा है संख्या में, अन्य जिलों के कम है। कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है सर? सभी यात्रियों को उनके प्रखंड और जिले तक पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन ने काफी संख्या में बसों का भी इंतजाम किया था, जिसके माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर तक श्रमिकों को पहुंचाया गया। इसके अलावा अन्य जिलों के लोगों के लिए भी प्रशासन ने बसों का भी इंतजाम किया था, जिसमें उनको बैठाकर उनके गृह जिला भेजा गया। अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए आज हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।